पूरे दुनिया जो पूरा हिंदुस्तान है, जिन लोगों के हमने घर बनाए, उनके लिए इतना काम किया, वो सड़कें बनाई जिसपे आज हम लोग चल रहे हैं, वो लोग हमारे लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। वो लोग आज सब गायब हैं, अपने घरों में हैं, क्योंकि उनके पास घर है, उनके पास राशन है, तो खुद भी खाना खा रहे हैं और हम लोग बेघर हो गए हैं। तो मुझे लगा कि उनके जो जहन में है, उनका वो ट्रस्ट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो ट्रस्ट चलेगा तो हम बहुत ज्यादा लोगों के फोन, आई एम श्योर दे मस्ट बी डूइंग देयर ओन बिट्स, कहीं ना कहीं हर एक्टर या एक्ट्रेस जो भी है हमारे दोस्त है हमारे, सब कुछ ना कुछ अच्छा अपने ढंग से कर ही रहे होंगे। बट लाइक आई सेड कि जब मैंने शुरुआत की थी तो मैंने ये नहीं सोचा था कि कौन लोग जुड़ेंगे साथ में। मुझे तो मैं तो चल पड़ा था जैसे माइग्रेट चल पड़े, कि अपने रास्ते पे चल पड़े और पहुंचना है अपनी मंजिल पर, वही है। कभी ये सोच नहीं सकते थे कि कभी ऐसा समय आएगा कि हम बोलेंगे कि हमारे माँ बाप नहीं रहे, और फिर आपको दिन देखना पड़ता है और आप उससे कभी नहीं निकल पाते। तो मैं यही कहूँगा कि निकल तो कभी नहीं पाएंगे, पर अगर हम थोड़ा बहुत कुछ अच्छा करते रहेंगे, भलाई करते रहेंगे, तो उन्हें इस बात की खुशी जरूर होती होगी कि जो हमने अपने बच्चों को सिखाया वो उस नक्शे कदम पर चल रहे हैं। तो आई थिंक उन्हीं की सिखाई हुई ये सब चीजें हैं जो हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोग फेल हुए, हमारा सिस्टम कहीं ना कहीं फेल हुआ है इन लोगों को मदद पहुंचाने में। जो होना चाहिए था वो इन लोगों के लिए नहीं हो पाया। My name is Rujani and today I'm in conversation with an actor who has been relentlessly working towards helping migrant laborers in reaching their homes. I'm talking about Sonu Sood. Sonu, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो आप। We've all seen the videos, we've seen किस तरह से आपने बसेस की अरेंजमेंट की है उनके लिए। तो मैं चाहूंगी कि आप ही खुद बताएं कि ये शुरुआत कैसे हुई, किस तरह से आपने इसका पूरा अरेंजमेंट किया। Thank you so much for having me, Rudani. We all have seen those visuals of thousands and millions of migrants walking on the highways, or I think those are very disturbing for everyone. और मुझे लगा कि जब वो चल रहे होंगे अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, खुद चल रहे होंगे, सो उनके जहन में सिर्फ एक ही चीज आ गई होगी कि पूरे दुनिया जो पूरा हिंदुस्तान है, जिन लोगों के हमने घर बनाए, उनके लिए इतना काम किया, वो सड़कें बनाई जिसपे आज हम लोग चल रहे हैं, वो लोग हमारे लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। वो लोग आज सब गायब हैं, अपने घरों में हैं, क्योंकि उनके पास घर है, उनके पास राशन है, तो खुद भी खाना खा रहे हैं और हम लोग बेघर हो गए हैं। तो मुझे लगा कि उनके जो जहन में है, उनका वो ट्रस्ट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो ट्रस्ट चलेगा तो हम we won't be able to face ourselves. तो उन्हें वापस लेके आना चाहिए और कुछ ना कुछ आगे बढ़ के करना ही पड़ेगा। Then I thought of getting these permissions कि मैं इन लोगों को भेज पाऊँ। मुश्किल जरूर था, लेकिन हमने कर्नाटका से शुरू किया, काफी परमिशन लेके आए, वहाँ के लिए लोग गए, उत्तर प्रदेश के लिए लोग गए, अभी उत्तराखंड के लिए जाने वाले हैं, बिहार के लिए जाने वाले हैं। तो एक प्रोसेस जरूर था, बट मुझे लगता है कि जो उनके चेहरे पे खुशी और वो एक विश्वास की भावना थी, वो बहुत कमाल थी। और मैं अभी बड़े लोगों की ईमेल्स आते हैं हजारों की गिनती में कि हमें वहां पर जाना है, तो वो एक विश्वास है जिसके कारण वो लोग भेज रहे हैं मैसेजेस। और मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि उनको मैक्सिमम लोगों को वहां पर भेजा जा सके। सुनो, आपने उनसे बातें की है, आपको पता है कि उनकी क्या क्या मुश्किलें हैं, तो उन्होंने आपसे क्या कहा? और स्पेशली हर जगह कवर तो हुई रहे न्यूज़ की, किस तरह से वो लोग अपने अपनी ज़िंदगी में शायद हम कभी सोच भी नहीं सकते कि हम इस तरह की सिचुएशन में फंस गए हो, क्योंकि ये लोग माइल्स ये लोग चल के जा रहे थे पहुंचने के लिए। तो मुझे ये जानना है कि आपके ऑब्जर्वेशंस थे, किस तरह की ये सिचुएशन को हैंडल किया गया है फ्रॉम एवरीबडी साइड, इस पर आपको क्या कहना है? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग फेल हुए, हमारा सिस्टम कहीं ना कहीं फेल हुआ है इन लोगों को मदद पहुंचाने में। जो होना चाहिए था वो इन लोगों के लिए नहीं हो पाया। और मुश्किलों का समय सबके लिए है, हर इंसान घर पे लॉकडाउन में फंसा हुआ है, बाहर नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अपनी ड्यूटीज जो है वो किसी ना किसी तरीके, किसी ना किसी जरिए से की जा सकती है। अगर आप सोचें, जब मैं बाहर निकला तो मुझे बड़े लोगों ने बोला कि क्यों बाहर जा रहा है, जाना नहीं चाहिए। मेरे जहन में एक ही चीज थी कि अगर कोई बाहर नहीं निकलेगा तो फिर शुरुआत कहाँ से होगी, बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, इनका हाथ थामना ही पड़ेगा कि हम लोग हैं आपके लिए। और मुश्किलें इस बात की थी कि हमने जब हम खाना बांट रहे थे, ड्राइव्स बांट रहे थे, फ्रूट बांट रहे थे, तो हमने हमेशा ये देखा कि ये जो लोग जा रहे हैं इनके पास हम जब रोकते थे इनको कि आप रुक जाए, परमिशन से इतनी तो कैसे चलेंगे, बिहार जा रहे हो आप पैदल, यूपी जा रहे हो, कैसे जाओगे? तो उनका ये कहना था कि हम पहुंच जाएंगे, हम नहीं रुकेंगे। तो बड़ी मुश्किल से कुछ लोगों को कन्विंस करके हम लोग रोकते थे। कुछ लोग रुक जाते थे, लेकिन फिर भी कुछ लोग जाते थे। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये जो थॉट उनके माइंड में चल चुका है कि हमारा कोई नहीं, हमारा कोई साथ नहीं होने वाला, हम लोग यहाँ पे फंस जाएंगे, मर जाएंगे, जो विश्वास उनका टूट गया वो उनको उन सड़कों पर ले आया। और अभी जो थोड़ी बहुत ट्रेन शुरू हुई है या जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, वो उनका विश्वास जीतना बहुत जरूरी है। जब हालात नॉर्मल हो जाएंगे और वापस जिंदगी शुरू हो जाएंगी, तब ये जरूर होगा कि कोई ना कोई लोग थे ऐसे जो खड़े हुए थे हमारे लिए, और मुझे लगता है उसी के लिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए। Watch E-Town News Monday to Friday at 9:30 p.m. only on Zoom.